बहराइच में लगातार 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक जारी है, जिसमें 10 लोगों की अब तक मौत और करीब 40 लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों का बुरा हाल है, जिसका प्रभाव स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ रहा है। चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो या सरकारी, बच्चों ने भेड़िए के खौफ से स्कूल जाना बंद कर दिया है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर स्कूलों के रास्ते खेतों से होकर गुजरते हैं। स्कूल पढ़ने पहले जाते थे, अब भेड़िए के डर के वजह से नहीं जाते, नहीं जा रहे हैं डर के वजह से। अच्छा, रात में घर में पल्ला बंद करके सो जाते हैं। डर है तुम लोगों के दिल में? डर है, तभी तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने किलोमीटर दूर है स्कूल तुम्हारा? स्कूल यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर है। कैसे जाते हैं स्कूल? पैदल जाते हैं। और चारों तरफ गन्ने का खेत है? गन्ने का खेत है, तो इसीलिए डर की वजह से कि कहीं गन्ने से निकल करके जो है भेड़िया हमला ना कर दे, समझे? तुम लोगों ने भी भेड़िया देखा है अपनी निगाह से किसी दिन? हमने नहीं देखा है, लेकिन आज बता रहे हैं कि हमने देखा है, एक बच्ची को उठा ले गया है। डर साहब ही में लगा है, खेत तना जावा जाते है, यहाँ घरों भी है, परिवार भी है सब, तो बच्चे पढ़ते हैं थैलिया में, यहाँ पढ़ाई भी बंद कराए दिन गवा, एक दिन घर पर भी आए गवा लफड़ा मचा हुआ है, तो सबने खेद लीन तो भग गवा, तो रात में ना कोई सोवत है ना कोई वो करते है, सब रात भर जागत हैं, सबके निगाह भी वो हो गया है, गर्मी के सीजन है, बत्ती भी मौके से चली जाते हो चली आवत है, आई तो आई ना आई तो वह, तो हर आदमी साहब परेशान है। वन विभाग वाले डर का क्या माहौल है? डर का माहौल साहब, अब ये के हमारे एक लड़का है, क्या आगे कौन डर हो सका था बताओ? सबसे पहले हमारे मारी साहब एक लड़का है, इसे तो दुनिया डरे बैठे न है, कौन में डर है अभी का तो आप बता सको तो कि हद से ज्यादा डर है। बच्चे कैसे स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल तो इस समय बंदे कराए हैं साहब, ये डर के आगे स्कूल बंदे कराए हैं, 2 लड़की पढ़ा रहा है उनका बंदे कराए हैं, एक लड़का छोट के है एक है, तो कौनी में पूरी पूरी रात जागे पड़ते, पूरी पूरी रात 2 रुपए की मंजूरी कहूँ ना गई मिलता है, जो लड़कन के सब्जी इतनी महंगाई चलता है, प्याज इतना महंगाई है जिसका कोई इंतहा ना है, कौनी मेर जिया थे लड़कन का साहब, कौनी मेर।